आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल डिलीशियस कुकिंग एक्सपर्ट में। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन बरवक्त आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट समोसा। जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि हम डोनट की शेप बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे इसके लिए आप हमारे साथ रहें एंड तक। तो सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। डो के लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, 3 बड़ी चम्मच घी और नमक चाहिए हसबे जायका। और इसको हम अब आटे की तरह गूंद लेते हैं। हम ले लेते हैं बाउल, बाउल में डाल लेते हैं 1 कप मैदा, ये हमने डाल लिया। ये 3 बड़ी चम्मच हमें चाहिए घी, इससे समोसा खस्ता बनता है, ये हमने डाल लिए। थोड़ा सा हम नमक डाल लेते हैं अपने जायके के मुताबिक। अब इसको हम गूंद लेते हैं। ये देखिए हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी डो सेट हो रही है तब तक हम डोनट के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चीजें चाहिए। सबसे पहले तो हमें आलू चाहिए 3 दरमियाने साइज के, वो बॉईल कर लीजिएगा। फिर हमें चाहिए अजवाइन 1 हाफ टी स्पून चाहिए अजवाइन, 1/2 टीस्पून चाहिए हमें जीरा, 1/2 टीस्पून चाहिए हमें सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून चाहिए हमें हल्दी, 1 टेबलस्पून चाहिए हमें धड़ा मिर्च, धनिया चाहिए हमें 1 छोटी सी गड्ढी ले लीजिएगा, उसको काट लीजिएगा। हमें 2 टेबलस्पून चाहिए ऑयल। थोड़ा सा इसको फ्राइंग करेंगे, जितने भी मसाले हैं इसको थोड़ा सा फ्राई करके हम फिर इस आलू को शामिल करेंगे। हरी मिर्च ले लेते हैं, हमें 2 अदद चाहिए, उसको चॉप कर लीजिएगा। नमक हमें चाहिए हसबे जायका। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आलू हमने मैश कर लिए हैं। आलू को थोड़ा सा चंकी फॉर्म में रखिएगा, ये देखिए जैसे मैंने रखे हैं। चलिए अब सारे मसालों को हम भून लेते हैं। हमने ले लिया पैन, मैंने बताया था कि 2 टेबलस्पून हम ऑयल ले लेते हैं, ये हम डाल लेते हैं इसमें। इसमें हम डाल लेते हैं 1/2 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें डालना है 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक हम ले लेते हैं हसबे जायका। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं हम। इसको हमने मिक्स कर लिया हल्का सा, जैसे ये बबल्स आने लगे तो इसमें हम जितने हमने मैश किए हुए थे आलू ये हम इसमें डाल लेंगे। देखें जब ये सूखे धनिया की खुशबू आने शुरू हो जाए तो हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। ये देखें अब हम इसमें डाल लेते हैं आलू। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बड़ा अच्छा कलर इसका आ जाएगा हल्दी की वजह से। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। हमने सब मसाले भून के हमने बीच में आलू मैश किए हुए डाल दिए थे और 1 मिनट में हमने उतार दिया था। तो अब हम इसको हमने उतार दिया। इसमें हम ये जो मैंने हरी मिर्चें काट के रखी थी ये हम डाल देंगे। बीज समेत मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी। इसमें मैंने धनिया डाल लेती हूँ, ये ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। अब इसको मिक्स करके मैं इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए डो हमारी तैयार हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। चलें अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए हम इसको बेल लेते हैं इस तरह से। अब हम इस जगह पे अपनी फिलिंग डालेंगे जो हमने आलू का बैटर तैयार किया हुआ था। ये देखिए ऐसे हमने डाल लिया। अब इसको हम इधर से फोल्ड करेंगे ताकि इधर से हमारा बैटर बाहर ना निकले ऐसे, और इधर से भी ये जो है इसको इसके ऊपर कर देंगे। एक हम इसको बल देंगे, एक बल दे दिया। अब ये जो बाकी जो एक्स्ट्रा है ना इसको हम इसकी लाइंस लगा देंगे ऐसे। ये देखें अब इसी तरह से इसको रोल करते जाएंगे। ये देखें
रोल करते जाएंगे। अब जो इसके एंड्स है वहाँ पे हम ये हमने बनाई हुई है, ये आटे की लेई बनाई हुई है, ये हम लगा देंगे। ये अच्छे से लगा देंगे ताकि ये जुड़ जाए। देखिए इसको हम लेते इस तरह से लेके जाते हुए इसको हम स्टिक कर देंगे, अच्छा सा दबा देंगे थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से लाइंस ऊपर बनेंगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसको दबा दिया, अब इन दोनों एंड्स को इस तरह से राउंड लेते हुए ऐसे हम इसको गोल कर देंगे। अब ये जो दोनों एंड्स है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे ये लेई, इसको ऐसे प्रेस करके ऐसे जोड़ लेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं खुल ना जाए, तो इसके लिए सेफ साइड के लिए हम एक और चीज़ करते हैं, ये हम ले लेते हैं एक पट्टी छोटी सी। ये देखें इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं, इसमें ये लगाते हैं लेई, इसको अच्छे से लगाते हैं ताकि आपको इसको स्टिक करने में आसानी रहे। इसको हम ले लेते हैं और ये देखिए ये जो एंड्स हैं हमारे, ये एंड्स में हम इस तरह से लगा लेते हैं, ये देखिए, ताकि जो थोड़ा सा अगर आपको डाउट भी हो रहा है कि कहीं हमारी ये खुल ना जाए, तो वो भी नहीं रहेगा। ये ज़बरदस्त से ये हमारे, ये देखिए डोनट तैयार हैं। ये हमारे डोनट रेडी हो गए हैं, अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राइंग के लिए मैंने पैन ले लिया है, उसको गर्म कर दिया है। अच्छे बहुत तेज आंच नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये पकेगा नहीं। मीडियम फ्लेम रखिएगा। ये देखिए हमने इसको काफी देर तक नहीं इसको छेड़ना, 2 मिनट तक इसको इसके ऐसे ही रहने देना है। फिर 2 मिनट के बाद इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखें ये गोल्डन हो गए हैं, यहाँ से हम 2 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, ये देखें, अब इसको हम साइड चेंज कर लेते हैं। ये रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमने अपने प्लेटर में निकाल लिए हैं और ये थोड़ा सा टूथपिक के साथ हम अपने केचप को सजा लेंगे। ये डोनट समोसा हमने डिश आउट कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार है, आप भी घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।